दोस्तों तो ये देखिए, यहाँ से ये पूरा फोर्ट ऐसा बहुत सुंदर सा दिखता है। बाकी का भी मैं आपको और ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये हम लोग अभी पहुंच गए। अब ये कौन सा पॉइंट है वहाँ पे जाने के बाद ही बताता हूँ। चलिए इससे और थोड़ा सा आगे है जब अजून पूरे होता ना रे तिथुन थोड़ा लोकर पण पहुंच लोगा वाटत नाही। अरे तिथुन तो बघत होतो तर लांब दिसत होता, एवढं पॉइंट नाही यार, मला जास्ती वाटतंय अजून वाटतंय का पुढे असेल। यहाँ से ये थोडंसं स्टीफ है, उतरने के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा सावधानी रखिए, सावधानी से उतरिए तो आराम से आप उतर जाएंगे। और ये देखिए वहाँ तक पूरा आगे तक जा रहे हैं, फॉरनर्स पन आए थे तो ये थोड़ा सा अलग अलग रास्ता है जाने के लिए। और ये हम लोग इधर से जा रहे हैं पर इधर से थोड़ा सा डेंजर है। और ये कुछ लोग यहाँ से उतर रहे हैं, नीचे से साइड से इधर ही से उतरना है। सब मैं यहाँ पर जस्ट देखने के लिए आ रहा हूँ आगे क्या है। ये पूरा ऐसा है, ये फोर्ट के ऊपर चढ़ेंगे तो पहाड़ पे ये पूरा अच्छा ऐसा दिखता है। और ये देखिए ये कुछ सबसे ज़्यादा डेंजर पॉइंट ये वाला यहाँ पे हिस्सा, यहाँ से तो आप उतरने के कभी प्रैक्टिस भी मत कीजिएगा, प्रैक्टिस क्या सोचिएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचिएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड से थोड़ा सा है, हाँ स्टिफ है थोड़ा उतरने का, थोड़ा प्यार से उतरिए, अदरवाइज गलती मत कीजिएगा यहाँ से उतरने का, ठीक है। इससे यहाँ पे कुछ लोग हैं ज़्यादा कुछ तूफानी कर रहे हैं, क्या बोले इन लोग को समझता ही नहीं है, इससे अच्छा अवॉइड ही कीजिए यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा इधर से उतरना है। चलो उधर से गए थे, उधर से उतरना तो मतलब हालत ख़राब करना है, इसके लिए इधर से आराम से उतरना है। थोड़ा सा स्टिफ तो है और हाँ सावधानी रखिए, ऐसे जगहों में ट्रैकिंग करिए और ध्यान रखिए कि आपका आगे का स्टेप्स कौन सा होगा, वैसे हिसाब से रखिए और उतरिए, प्यार से आराम से उतरिए, जल्दबाजी मत कीजिए, घाई मत कीजिए वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए एकदम प्यार प्यार से आइए। और ये देखिए यही वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे अभी खड़े थे हम लोग और ये ऑल द वे यहाँ से उतर के आए हैं। ये हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे आ गए उतर के, और ये देखिए यहाँ पे खड़े थे थोड़ा देर पहले, देखिए जैसे कि ये लोग यहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे थे। और ये पूरा सा ऐसा है। और एक चीज़, हाँ ये सब जगह पे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, जैसे फोर्ट तो वैसे भी हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट और बड़े बड़े फोर्ट हैं, और फोर्ट जितने भी हैं ना सब पहाड़ों पे, पर ट्रैकिंग करने में मज़ा अलग आता है, उसका तो अलग ही वाइब है। पर एक चीज़ हाँ ध्यान रखिए, आपके हर एक स्टेप पे ध्यान रखिए, कहाँ रखना है, कौन सा रखना है, लेफ्ट राइट, गलती मत कीजिए, गलती करेंगे मुँह के बल गिरेंगे या फिर ऐसे गिरेंगे कि चोट बहुत जोरों वाली लगेगी, इसके लिए ना थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये देखिए इस साइड से ये पूरा ऐसा दिखता है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखे ताकि कि आप उस साइड में नहीं जाए, कि उस साइड में तो मैं आपको नीचे से वहीं से जब स्टार्ट पॉइंट हुआ था वहाँ पे दिखाया था। और ये देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा बनाया हुआ तालाब, पानी का पत्थर काट के। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आगे जाना तो खतरे से खाली नहीं है। और ये देखिए ये पूरा कितना डीप है, पूरा खाई। और ये देखिए पूरा इस एंगल से कितना सा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, मतलब कितना सा क्या, बहुत डेंजर दिख रहा है यार। इसे अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, चलिए अब चलते चलते थोड़ा सा और जा ही रहे हैं, थोड़ा सा ही बच गया, उसको एक्सप्लोर करके अब ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा और बच गया है,
और ये देखिए पूरा ऐसा व्यू दिखता है, प्यारा सा एकदम फुल। और जितना दूर तक नज़र जा रही, मतलब सोचिए आप वहाँ से अभी हम लोग पूरा चल के आए, एक्सप्लोर करके आए। ये सामने का ऐसा कुछ पहाड़ की चोटियाँ दिख रही है, और ये यहाँ से थोड़ा सा और दूर जाना है, ये देखते हैं थोड़ा सा और दूर जाना है। ये देखिए इस साइड में देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, पूरा खाई सा। एक गलती और फिर तो आप भारी जुर्माना। मतलब अभी तो ये मैं सोच के ये सोच रहा हूँ कि अभी ये तो ऐसा है, अगर कुछ हो गया तो अनहोनी, भगवान ना करे किसी के साथ में हो कभी। पर एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम में मतलब कैसा बनाए होंगे उन लोग इसको, कैसा बनाए ये पूरा पत्थर पूरा। ये देखिए पूरा ऐसा जगह बनाया गया है पूरा चलने के लिए, और यही साइड में पूरा जो जॉइंट किए हुए हैं पत्थर पे पत्थर उस टाइम में, जो आज तक हिल भी नहीं पा रहे। तो सोचिए ना उस टाइम में क्या था कंडीशन और कैसा होता था। अब हम जस्ट पहुंच ही गए। ये पूरा प्यारा सा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वजा पताका लहराते हुए एकदम सुंदर सा लग रहा है। और ये देखिए ये यहाँ पे पूरा ऊपर में है यार, बहुत ऊपर है, बहुत हाइट में। और ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए। ये है दोस्तों ये फोर्ट का एंडिंग पॉइंट, कि यहाँ से अलग ही एक व्यू दिखता है, नज़र आता है। ये यहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट है, देखिए यहीं तक है ये पूरा, ये फोर्ट का आगे का पूरा जो भी है, जितना भी हिसाब, मतलब जितना भी हिसाब बोल लीजिए, जितना भी पॉइंट बोल लीजिए, ये पूरा इसका आखिरी हिस्सा है, यहाँ तक है पूरा। और ये देखिए ऑल द वे ये यहाँ तक पूरा ऐसा दिखता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये यहाँ नीचे में पूरा सब गांव छोटे छोटे, ये कुछ यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है अलग से जाने के लिए। और ये इधर इधर थोड़े इसके नीचे आराम से खड़े रहिए, क्योंकि ऊपर से पत्थर उत्थर गिरने का डर है। यही देखिए पूरा इसके डाउन साइड में ऐसा है, इस साइड में भी ऐसा ही है। तो एक साइड से सोचें एक साइड से बचेंगे, तो इधर भी बैठ के झुक के निकलिए आप आराम से, ये तो चोट लग जाएगी पीठ में, सर में फूट जाएगा। और ये से थोड़ा सीढ़ी चढ़ना है, चढ़ो भैया। तो अब यहाँ से अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, का लास्ट एंड पॉइंट तो देख ही लिए। ये देखिए ये साइड में भी ये फोर्ट का लेफ्ट और राइट दोनों साइड में खाई है बड़ा सा, और ये पूरा बनाया हुआ है दोनों साइड में जंगल। और सब ऊपर में चढ़ते रहिए पहाड़ पे, प्यार से आराम से चलते रहिए, गलती मत कीजिए। चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लग गई है, स्टीफ है ना से में हालत खराब। और अभी और चढ़ना है, चलो ब्रो। हालत खराब है यार।
अभी उतना चढ़ के आए और अभी ये वाला पॉइंट अभी और चढ़ना है यार। अब तो पैर नहीं उठा रहे और गाड़ी पे ड्राइव करनी है। यो देवा, ये लोग बेचारे इतने स्ट्रगल कर रहे चढ़ने में और ये मुझे भी चढ़ना है आराम आराम से स्ट्रगल करते करते कि ये पूरा ऐसा है रास्ता इसका पूरा। और दोस्तों वैसे तो देखिए यहाँ पे पॉइंट तो बहुत है घूमने के लिए, मतलब बहुत 8-10 होंगे कुछ इतने कुछ पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ने तो कुछ ही पॉइंट कवर किए हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया और अब टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया है और धूप भी ज़्यादा लग रही है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, इसके लिए अब रिटर्न हो रहे हैं। बाकी के अब आइए तो बेस्ट टाइमिंग है मानसून में, फिर बारिश के बाद जस्ट बारिश जैसे ख़त्म होता है वैसे आइए तो सही है, सब देखने के लिए भी आपको मिलेगा और डिहाइड्रेशन वगैरह का भी टेंशन नहीं, धूप भी कुछ टेंशन नहीं, एकदम मस्त लगेगा, चिल सा लगेगा, ग्रीन ग्रीन तो रहेगा ही एटमॉस्फेयर, उसे तो और भी अच्छा लगेगा। हकीकत देखिए तो हम तो सुबह भी अर्ली मॉर्निंग निकले थे 8 बजे, तो कुछ खाए भी नहीं एक्चुअली, ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, अब अभी लंच का टाइम हो गया है, देखते हैं नीचे जाने के बाद में कुछ खाएंगे, उसके बाद में फिर निकलेंगे घर के लिए और यहाँ से भी हालो 2 घंटे का ट्रैवल करना है, अपनी गाड़ी होके भी 2 घंटे का ट्रैवल करना है, बिकॉज सुबह भी 2 घंटे का था पर हालां 45 मिनट्स तो एक्स्ट्रा चला गया ट्रैफिक में, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे 11:30 बजे, वैसे हम लोग 10:30 बजे पहुँच जाते थे। क्या देखिए यही सब है, इतना पॉइंट है और वैसे तो सुंदर लग रहा है, वैसे मौसम थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा भी गर्म नहीं है तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो तो पूरा नहीं कहेंगे इसको, और था पूरा लोहागढ़ फोर्ट के बारे में। बाकी के इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपसे मिलता रहूँगा और नए अच्छे वीडियो में। थोड़े से अभी चढ़ रहे हैं ना, तो चढ़ने में थोड़ा सांस फूल रही है, मतलब हालत थोड़ी ख़राब सी हो गई है।